आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ, हांडी कबाब मसाला। चलिए सीख लेते हैं इसे बनाना। मैंने लिया है हाफ के जी बोनलेस चिकन, उसको मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था। ये एक मुट्ठी धनिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया मैंने। ये 4 से 5 हरी मिर्च है, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालिएगा मिर्च, अगर आप कम खाते हैं तो आप 1-2 कम कर लीजिएगा। ये है 7 से 8 पुदीने की पत्तियां, इसे मैंने छोटे छोटे कट कर लिया था। इसमें डाल दूंगी ये चॉप किया हुआ चिकन। इसमें डल जाएगा 1 टीस्पून का कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भुने चने का पाउडर। अगर आपके पास भुने चने का पाउडर नहीं हो तो आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त आप तोड़कर इसमें छोटे छोटे करके ब्रेड डाल दीजिएगा, वो भी साथ में चॉप हो जाएगा। और ये कबाब मसाला 1 टेबलस्पून भर के डाल दीजिएगा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ये 1 मीडियम साइज प्याज छोटे छोटे कट किए हुए, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी, ये भी साथ में चॉप हो जाएगा। इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के बटर, अगर आपके पास घी है तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल दूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, 1/2 लेमन जूस। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी थोड़ा सा। फिर इसमें डाल दीजिएगा 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला होगा तो डाल दीजिएगा, क्योंकि इसे कबाब थोड़ा चटपटा बनता है, और अगर नहीं भी है तो कोई जरूरत नहीं है डालने की, आपने नींबू तो डाल ही दिया है। इसमें डाल दीजिएगा 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। फिर इन सारी चीजों को मैं अच्छे से चॉप कर लूंगी ताकि ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीजें अच्छे से चॉप हो गई है, मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी। सारी चीजों को अच्छे से एक बार और मिक्स कर लूंगी। हाथों में तेल इस तरह से लगाकर आप इस कबाब बना लीजिए। आप इसे जो शेप चाहे वो दे सकते हैं। ये सारे कबाब मैंने बना लिए इस तरह से, ये देखिए। पैन हीट करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 सर्विंग स्पून ऑयल। मैं तेल ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे फ्राई करना है। तेल हीट होने के बाद उसमें सारे कबाब डाल देंगे इस तरह से फ्राई करने के लिए। सारा कबाब फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल लूंगी। इसी तेल में मैं थोड़ा सा और तेल डाल दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब, और इसमें डाल दूंगी ये चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमने आधा ब्राउन कर लिया है, पिंक कलर का हो गया है ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून धनिया, ये धनिया पाउडर था जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी, 2 मिनट से भी प्याज के साथ भूनूंगी। 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे 1 मिनट भूनूंगी। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट। इन सारी चीजों को 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल दूंगी दही 3 टेबलस्पून भर के, इसे लगातार चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। डाल दूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इन
इन सारी चीजों को मिक्स करके हम इसे 7 से 8 मिनट तक भुनेंगे। इस पे ढक्कन लगा देते हैं और इसे बार बार चेक करते रहेंगे। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है, तेल भी पूरा सरफेस पे आ चुका है। अगर आपको अपनी ग्रेवी को थोड़ा रिच बनाना है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून शुगर। मसाला जो कि भुन चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप से 1/2 कप पानी। अब इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला। इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो आप उसमें थोड़ा नमक और डाल दीजिएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये बॉईल हो जाए। ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये फ्राई किया हुआ कबाब सारा। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, उसके बाद इसमें डाल देंगे हम क्रीम। ये फ्रेश मलाई है हमारा 1/2 कप। अगर आपके पास अमूल क्रीम हो तो आप 1/2 कप अमूल क्रीम डाल दीजिएगा। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाऊंगी। 5 से 7 मिनट हो गया है हमें ग्रेवी में रखते हुए, तेल भी ऊपर ऊपर आ गया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं हरी धनिया बारीक कटी हुई, थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल देंगे हरी मिर्च। फ्लेम बंद कर दूंगी मैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान और डिलीशियस सा डिश तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे